ओडिशा में नोकिया फोन में विस्फोट होने से 18 साल की युवती की मौत हो गई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक यह घटना खेरिया कानी गांव में हुई है। यहां मोबाइल को चार्जिंग पर लगाकर बात कर रही उमा की फोन में अचानक हुई विस्फोट से दर्दनाक मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि मोबाइल में विस्फोट होते ही आग लग गई और कमरे में धुआं फैल गया। घटना में उमा गंभीर रूप से झुलस गई और बेहोश होकर गिर गई। परिजनों ने युवती को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर लड़की के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मीडिया रिपोर्ट्स में बताया गया है कि नोकिया 5233 मॉडल ब्लास्ट हुआ है। वहीं HMD ग्लोबल ने इस घटना से पल्ला झाड़ लिया है। कंपनी का कहना है कि उन्होंने नोकिया के इस मॉडल के फ़ोन को न ही बनाया है और न ही बेचा है, जबकि इस मॉडल का फ़ोन अभी भी दिग्गज ई कॉमर्स कंपनियों जैसे कि अमेजन और फ्लिपकार्ट की वेबसाइट पर बेचा जा रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मोबाइल के फटने पर उमा के हाथ, छाती और पैर गंभीर रूप से झुलस गए थे। वो फ़ोन को चार्ज पर लगाकर अपने रिश्तेदार से बात कर रही थी। मृतक उमा के भाई दुर्गा प्रसाद का कहना है कि मोबाइल की बैटरी खत्म होने वाली थी और उमा ने बातचीत करते हुए उसे चार्ज पर लगाया था। इस घटना के बाद डैमेज हुए फ़ोन की तस्वीर आउट हुई है। नोकिया 5233 मोबाइल भारत में साल 2010 में रिलीज़ हुआ है।